खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। कानपुर देहात जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर से डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह एवं सीडीओ सौम्या पांडे ने भारत की आजादी के 75वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आजादी की अमृत महोत्सव जो शासन के निर्देशन से 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक चलने वाले महोत्सव का हरी झंडी दिखाकर स्कूली बच्चों की साइकिल रैली का शुभारंभ किया जो अकबरपुर के गांधी पार्क में संपन्न हुई। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी पंकज वर्मा, उप जिलाधिकारी अकबरपुर राजीव राज, जिला विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट, जिला विद्यालय निरीक्षक अरविंद द्विवेदी, डीपीआरओ अजय कुमार सिंह, क्रीड़ा अधिकारी केएस चौहान आदि अधिकारी सहित कई स्कूलों के बच्चों ने इस रैली में शिरकत की। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी महोदया ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि स्वतंत्रता के दौरान भारत के कई सपूतों ने अपनी बलिदानी, आज हम उनके बलिदान को भूल रहे हैं, उनकी यादें हमारे बीच रहे जिससे भारत की आजादी के लिए सपूतों को नमन करें। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यक्रम के अवसर पर बच्चों को बताया गया कि महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता को लेकर जो संघर्ष किया है उसी दौरान 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन शुरू किया था, वही नमन हर गरीब अमीर की थाली में परोसा जा रहा है। वहीं उनके साथ साथ अन्य कई सपूतों ने भी स्वतंत्रता को लेकर अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर किया जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मीडिया के सम्मानित बंधु एवं अकबरपुर डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज के समस्त बच्चे, सर आज आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है जिसमें आजादी के 75वें वर्षगांठ के रूप में सर नई पीढ़ी में देश भावना की भावना को जागृत करने के लिए, देश प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए प्रत्येक जनपद में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज ही के दिन 12 मार्च को 1930 में बहुत फेमस डांडी मार्च महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था जो एक तरह से एक इंडिकेशन था ब्रिटिश राज को कि नमक जैसी बेसिक चीज का जो कानून बनाया गया था कि नहीं बना सकते भारतीय, उसको गांधी जी ने तोड़ के और हजारों लोग, सैकड़ों लोग इनके साथ डांडी मार्च करके जब 5 अप्रैल को उन्होंने खत्म किया था तो एक तरह से सर बिगुल बजी थी कि अब आजादी लेकर ही रहेंगे। तो उसी के परिपेक्ष में आज सर एक सांकेतिक रूप में हमारे जनपद में हम एक साइकिल रैली का आयोजन कर रहे हैं जिसमें 75 बच्चों की साइकिल रैली हम निकलवा रहे हैं। यहाँ से शुरुआत होगी सर, ये गांधी स्थल अकबरपुर नगर पंचायत में जो पड़ता है, सर उत्तर प्रदेश के 4 जनपदों में बलिया, लखनऊ, शहीद स्मारक मेरठ और झांसी में ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो साबरमती आश्रम से उनका स्पीच होगी उसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा हमारे जनपद में भी सर। इसके अलावा अन्य ब्लॉक्स में फॉर एग्जाम्पल अकबरपुर के शहीद स्मारक नगर पंचायत अकबरपुर में अमरौधा शहीद स्मारक स्थल बंगला फतेहपुर जहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी रामदयाल जी की स्मारक बना हुआ है, शहीद स्मारक स्थल भोगनीपुर चौराहा जहाँ पे अब्दुल हमीद निवासी गाजीपुर के जो हैं जो भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए थे उनका एक उनका स्मारक बना है, और शहीद स्मारक स्थल देवीपुर मलासा तथा शहीद स्मारक स्थल सबलपुर छिंजक, इन जगह कार्यक्रम कराया जा रहा है जहाँ इसी प्रकार की साइकिल रैली। कानपुर देहात से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।